अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं। अगर कल की क्लास में किसी को पूछना है तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी पूछ ले, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। कोई सवाल नहीं है किसी का, चले हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, हमने कल बात कर ली थी मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कि तीन चीजों को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि हम कहें कि कोई पॉजिटिव अजर्शन देना ये समझ के कि वो सच है, हालांकि वो सच ना हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी थी कि आपको खुद लगता था कि इस लैंड पे 35,000 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन दर हकीकत उस पर सिर्फ 30,000 kg प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ऐसा लगता था लेकिन आप काम अनइंटेंशनली कर रहे हैं, तो बेसिकली ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन की उसमें आ गया। फिर दूसरी मैंने एक बात करी थी ब्रिच ऑफ ड्यूटी की, कि एक जगह आपकी ड्यूटी थी कि आप अगले को बताते कि आपकी इस महीने प्रॉफिट गिर गया है कंपनी का जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था, लेकिन आपने उसको नहीं बताया। तो आपने उसको नहीं बताया तो वो एग्रीमेंट साइन हो गया, तो वहां पे भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन हुई। और तीसरी थी जो मैंने बात करी थी कि आपको ऐसा कोई मिस्टेक, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इनोसेंटली आपने कोई बात कही, कि एक मैंने कार की एग्जांपल दी थी कि वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट है, लेकिन दर हकीकत वो फ्री नहीं थी। तो अगर ऐसा कोई चीज थी और आपको ऐसा लगता था तो वो भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन का ही केस होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पे बात कर ली थी। फिर आज हम आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, पर्दानशी वुमेन, देखें सीधी सी बात है, इतनी ज्यादा गहराई में मत जाए। पर्दानशी वुमेन बहुत आसान सी बात है, जो नामहरम से पर्दा करती हैं वो पर्दानशी वुमेन में आती हैं। अगर कोई औरत सिर्फ हिजाब करती है लेकिन वो लोगों से भी मिलती हैं, अपनी दूसरी एक्टिविटीज कर रही हैं, तो वो पर्दानशी वुमेन में नहीं आती। पर्दानशी वुमेन वो होती हैं जो सिर्फ महरम से कॉन्टेक्ट रखती हैं, नामहरम से कॉन्टेक्ट नहीं रखती। भले उनका घर भी ज्वाइंट फैमिली में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके नामहरम मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनसे भी पर्दा जो रखे वो पर्दानशी वुमेन में आता है। अदरवाइज अगर सिर्फ कोई हिजाब कर रहा है या नकाब कर रहा है तो वो पर्दानशी वुमेन में नहीं आता, ठीक है, लॉ की नजर में। बाकी हम चलते हैं आगे अपने एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, पर्दानशी वुमेन के साथ, पर्दानशी वुमेन पे एक थोड़ी सी बात और कर लूं कि पर्दानशी वुमेन में आपके पास जो है वो अंडू इन्फ्लुएंस हो जाता है, पाया जाता है, क्योंकि लाजमी बात है वो किसी से कांटेक्ट नहीं करती, तो उनके विल को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें वहां पे पाई जाती हैं, इसीलिए पर्दानशी वुमेन की ही सेम फुटिंग में हम इलिटरेट वुमेन्स को भी लेते हैं, कि जो इलिटरेट होती है वुमेन उनको भी हम लेते हैं कि वो भी पर्दानशी वुमेन की तरह उनके साथ भी अंडू इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान सा काम है। क्योंकि लाजमी बात है एक शख्स का कांटेक्ट नहीं है तो इंडिपेंडेंटली एडवाइस लेना और बाकी चीजें करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशंस इट फॉलोज दैट द एलिजिंग मिस रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग फोर थिंग्स आर नेसेसरी, कि जब आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो ये चार चीजें आपके होना जरूरी है, फिर ही आप किसी पे मिस रिप्रेजेंटेशन का एक इल्जाम लगा सकते हैं। पहली क्या थी, देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली विद एन ऑनेस्ट बिलीव टू इट्स ट्रू विदाउट एनी डिजायर टू डिसीव द अदर पार्टी ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइटली, कि कोई एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो जो इनोसेंटली सामने वाले ने करी हो विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, कि उसकी धोखा देने की नियत ना हो, उसको खुद लगता था वो बात सच है लेकिन दर हकीकत वो बात सच नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव दर्शन में वीट वाली एग्जाम्पल दी थी,
ठीक है। दूसरी बात, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट्स मटीरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टू मेयर ओपिनियन और हेरासी। जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी दर हकीकत वो एक फैक्ट से लिंक होनी चाहिए, एक सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा फैक्ट होना चाहिए जिसके बारे में आप बता रहे हो सामने वाले को, ठीक है। तो कोई एक ओपिनियन ना हो कि मेरी नजर में ऐसा है, नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं होता। आपने एक फैक्ट्स बताएंगे तो ही वो मटेरियल होता है, ठीक है। आप कहेंगे मेरी नजर में यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन होती है, तो आपकी नजर तो एक ओपिनियन हो गया ना आपका, ठीक है। लेकिन आपने जो बात करनी है वो हमेशा फैक्ट से लिंक करनी है कि फैक्ट्स मटीरियल होना चाहिए। तीसरी, जो भी रिप्रेजेंटेशन आप देंगे उसका गलत साबित होना भी जरूरी है कि वो गलत हो, ठीक है, वो सच ना हो। जो भी रिप्रेजेंटेशन आप या जो भी फैक्ट आप बताते हैं उसका सच ना हो। चौथी, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल। रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर आ जाए, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दे। तो ये चारों चीजें अगर पूरी हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि आपने एलिगेशन अपना सही लगाया है मिस रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट्स थोड़े से अलग हैं अंडी इन्फ्लुएंस और उससे। तो इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर आप आते हैं तो देखें, अब दो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइडेबल। आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करें और कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर दें, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करें लेकिन अगले को कहें कि तुम मुझे उसी पोजिशन में लेकर आओ जिस पोजिशन में मैं होता अगर तुमने ये रिप्रेजेंटेशन मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं की होती, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। किस तरह से देखें, अगर एक लैंड है वो 35,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है, और एक लैंड ऐसी है जो 30,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है, तो यकीनन सी बात है जो 35,000 kg लैंड प्रोड्यूस करती है उसकी प्राइस ज्यादा होगी बनिस्बत उसके जो 30,000 kg लैंड प्रोड्यूस करती है। अब सामने वाले ने आपको जो भी पॉजिटिव अदर्शन दी उसने कहा कि मेरी लैंड जो है वो 35,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है, ये सोचते हुए कि ऐसा ही है, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं था, वो 30,000 करती थी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर उस लैंड की प्राइस आपने 10 मिलियन पे करी है, अगर उस लैंड की प्राइस आपने 10 मिलियन पे करी है, तो आपने क्या सोच के पे करी है कि ये 35,000 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन अगर वो लैंड 30,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है तो लाजमी तो आते जो मार्केट वैल्यू 30,000 kg प्रोड्यूस करने वाली लैंड की होगी वो हमेशा कम होगी 35,000 से। तो आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसेंट कर सकते हैं कि नहीं, तुमने तो 35 बोला था और ये 30 प्रोड्यूस कर रही है, तो मैं मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे इसको रिसेंट करता हूँ। या चाहे तो आप कह सकते हैं ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट नहीं करता, इसको कैरी कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तुम एक काम करो, जो तुमने मुझसे 10 मिलियन लिए थे ना उसमें से मुझे 1 मिलियन वापस कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे स्टार्ट में बता देते कि ये 30,000 kg प्रोड्यूस करती है तो इसकी मार्केट वैल्यू 9 मिलियन होती, तो इसलिए मैं तुम्हें 9 मिलियन ही पे करूंगा सर, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करें आप और बोलें कि मुझे वापस उस पोजीशन में लाओ जिस पोजीशन में मैं होता अगर ये मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई होती, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इनोसेंटली मिस्टेक करके किसी ने कहा था कि ये बाइक जो है ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट है, लेकिन दर हकीकत उसमें बिल्ट इन डिफेक्ट मौजूद थे, तो लाजमी से बात है डिफेक्टेड गाड़ी कार की प्राइस आप वो पे नहीं करते, या डिफेक्टेड बाइक की प्राइस आप वो पे नहीं करते जो आपने पे करी है, तो आप लाजमी ज्यादा उससे कुछ रिलीफ लेते, और वही रिलीफ आप अभी एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि मुझे वापस से उस पोजीशन में ले आओ जो पोजीशन में मैं होता अगर तुम ये मिस रिप्रेजेंटेशन करते। अच्छा, ये हो गई बात। मजीद इसमें एक बात और है कि मिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट एंटाइटल एजरीफ पार्टी टू क्लेम डैमेजेस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और अदरवाइज और एक्सपेंस इनकर्ड। मिस रिप्रेजेंटेशन की केस में आपको कभी भी डैमेजेस ग्रांट नहीं होते, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस ग्रांट नहीं होंगे, सिर्फ आपको एक कॉम्पनसेशन होगा, वो यही होगा कि आपको उस पार्ट पोजिशन में ले आए जिस पोजिशन में आप थे, या अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप बोलते नहीं यार मैं कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करता हूँ, तो सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा, ठीक है जनाब। यहाँ पे आके आपका मिस रिप्रेजेंटेशन होता है एंड। अच्छा, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, द अबव रेमेडी इज लॉस्ट इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। अगर आपके साथ कोई ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है जिसको ऑर्डिनरी तौर पे आप डिस्कवर कर सकते थे,
अपनी नॉर्मल इंटेलिजेंस लगा के, तो फिर आपके साथ में से प्रेजेंटेशन नहीं हुई, आपकी रेमेडी लॉस्ट हो गई, आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। और बाद ऐसा होता है कि सामने वाला आपको जो बात कह रहा होता है, आप उसको कहते हैं कि यार ये तो मैं अपनी नॉर्मल से जहन लगा के भी पता लगा सकता था, ठीक है, कि ये चीज तो ट्रूथ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज मुमकिन हो जाती है, तो अगर आपको इजीली ट्रूथ डिस्कवर कर सकते हो तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आम जहानत लगा के आप पता कर लें। इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन की लास्ट लाइन ये थी कि इसमें आपको डैमेजेस नहीं मिलते, ठीक है। सिर्फ जो मैंने दो बातें बताई हैं वही होगी कि या तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा, या अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट को तो कैरी कर लेता हूं, चला लेता हूं आगे, लेकिन मुझे वापस उस पोजीशन में ले आओ जिस पोजीशन में मैं होता, मतलब मुझसे जो तुमने एक्स्ट्रा पैसे ले दिए हैं मैंने तुम्हें किसी चीज के, वो मुझे कम दो। लाजमी सी बात है, जो लैंड जो है वो 30,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है, उसकी प्राइस 9 मिलियन है, तो मैंने तो 35,000 समझ केजी समझ के तुम्हें 10 मिलियन पे करी थी, तो 1 मिलियन मुझे वापस कर दो, क्योंकि अगर तुम पहले मुझे ये बात पता होती तो मैं 10 मिलियन कभी भी नहीं देता, मैं 9 मिलियन ही देता, ठीक है। तो ये चीज होती है, और दूसरा इसमें डैमेजेस ग्रांट नहीं होते। लेकिन अगर आम जहानत लगा के, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस लगा के आपको पता चल जाए कि भाई ये जो चीज है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन जो है, ये डिस्कवर कर सकता हूं मैं ट्रूथ, अगर आम जहानत लगा के पता चल रहा है, तो फिर आपके साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है फ्रॉड, जो कि बहुत कॉमन भी है और आप सब फैमिलियर भी हैं इस टर्म से। मिसरिप्रेजेंटेशन होती है विदाउट इंटेंट टू डिसीव, कि आप कभी भी, आपकी इंटेंशन अगले को धोखा देने की नहीं होती। फ्रॉड हमेशा होता है विद इंटेंट टू डिसीव। सर एक्सेप्शन समझा दें, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, तुम एक शॉप पे जाते हो, जैसे कि आपके पास बहुत ही शॉप से आप जाते हैं, अब वो आपको बोले जनाब मैं लकोस्टे की टी शर्ट आपको सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर लकोस्टे भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखें उसकी प्राइस जो है वो रख रहे हैं 500, तो आपको पता चल जाएगा नॉर्मल डिलीजेंस से कि ये ब्रांडेड नहीं है, ये लोकल है, भले उसको खुद भी लग रहा होगा ये ब्रांडेड ले, लेकिन आपको ही पता चल जाएगा, फैब्रिक से भी आपको अंदाजा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, लेवल से भी आपको अंदाजा हो जाएगा, लोगों से भी हो जाएगा, कई चीजों से आपको अंदाजे हो जाएंगे, ठीक है, कि ये नॉर्मल डिलीजेंस यूज कर रहे हैं ना आप अपनी, कि आपको पता चल जाएगा जी ये डिस्कवर करना ट्रुथ आसान है, ठीक है। तो ये ट्रुथ डिस्कवर करना बहुत आसान होता है, जैसे कि नॉर्मली अभी बकरीद गुजरी है, आप जब जानवर खरीदने जाते हैं तो वहां पे वो 10 तरह की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है, आप अपनी जो खरीदने वाले होते हैं वो नॉर्मल अपनी इंटेलिजेंस लगाते हैं, उनको चीजों को पता चल जाता है कि किस तरह से क्या चीज होगी, किस तरह से क्या चीज डिस्कवर होगी, तो वो ट्रुथ डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर ट्रुथ डिस्कवर करना पॉसिबल हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक घर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, घर की दीवारों में क्रैक पड़े हुए थे, अब आप घर जा रहे हैं और आप पूरा घर देख रहे हैं, आपको वो क्रैक नजर नहीं आ रहे, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया वो क्रैक, लेकिन आपको नजर भी नहीं आया, आपने खुद ही नहीं देखा, उनको इग्नोर करा, ठीक है, आप नॉर्मली उसको देख सकते थे लेकिन आपने नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे 24 आवर्स वाटर सप्लाई है कि नहीं है इस घर में, आप पता लगा सकते थे लेकिन आपने नहीं लगाया, आप चाहते तो आस पड़ोस से ही पता कर लेते। तो अगर ऐसी चीजें आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी नॉर्मल डेलिजेंस यूज नहीं कर रहे, और यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ बहुत इजीली पॉसिबल था लेकिन आपने वो चीज नहीं करी, तो यहाँ पे फिर आपकी गलती है, मिसरिप्रेजेंटेशन आपके साथ नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखें लॉ की नजर में हमेशा बायर को चौकन्ना रहना होता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 बता देता हूं मैं आपको, क्या था पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 था द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन, रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर आए, वही बात हो गई ना, जब फैक्ट से लिंक होगी तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आएंगे ना, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन दी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करा देगी। अब कोई अगर अपना ओपिनियन देगा तो वो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में नजर नहीं करा सकता ना, आपके मेरी नजर में इससे अच्छी जगह कोई नहीं है, कहते कि फ्लैट ऑनर होते हैं वो कहते हैं मेरी नजर में इससे अच्छी जगह कोई नहीं, हर इंसान अपनी चीज की तो तारीफ करता है ना, लेकिन वो चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लाती,
कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके फैक्ट्स लाते हैं आपको। अच्छा नेक्स्ट आ जाए फ्रॉड। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एक्ट, द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स कमिटेड बाय अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पर्सन। कि कोई भी एक्ट आप करें जो अगले को धोखा देने की नीयत से करते हैं, वो तमाम के तमाम फ्रॉड में आते हैं। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आपको डैमेजेस ग्रांट नहीं होते। फ्रॉड में आए डेफिनेशन में, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव और टू इंड्यूस अदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज अगर आप किसी को धोखा देने की नीयत से करें कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो हम कहते हैं कि आपने फ्रॉड किया। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप धोखा देने की नियत से करें कि अगला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो फिर आपने फ्रॉड किया, मतलब आपने उसको इंड्यूस किया धोखा देके कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए। क्लियर? अब देखिए क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। पहली बात, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट अफेक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब देखें ये फर्क है। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे जो आपको खुद लगता था सच है, लेकिन दर हकीकत वो सच नहीं था। यहां पे आप जो स्टेटमेंट देंगे, आपको पता है वो झूठा स्टेटमेंट है, फैक्ट सेलिंग, लेकिन आप उसको सच बना के पेश कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको सच बना के पेश कर रहे हैं, हालांकि आपको लगता था कि ये जो है ये स्टेटमेंट झूठा है, आपको पता है। जैसे वहां पे अगर मैं उस एग्जांपल में बात करूं, तो मैंने क्या कहा था कि आपको पता नहीं था कि ओरिजिनली ये 30,000 केजी ऑफ वेट प्रोड्यूस करती थी लैंड। आपको ऐसा लगता था और आपने इसी बेस पे सामने वाले को बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि एक चीज 30,000 केजी ऑफ लैंड वीट प्रोड्यूस करता है एक लैंड, लेकिन आप अगले को जानबूझ के बोल रहे हैं कि ये 40,000 केजी प्रोड्यूस करता है धोखा देने की नीयत से। तो ये एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पता है झूठी है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फ्रॉड है, ये आपने उसके साथ फ्रॉड किया। नेक्स्ट, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। कोई भी फैक्ट की आप कंसीलमेंट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं उसको एक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को घर सेल कर रहे हैं, उसमें क्रैक पड़े हुए थे, आपने उस क्रैक को फिल करा के पेंट करा दिया, ये आपने क्या करा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करिए। नॉर्मली कार में बहुत होता है, जब आप किसी से कार परचेज कर रहे हो, एक्सीडेंटल कार होती है, उनको पता भी होता है लेकिन वो मना कर देते हैं आपको। ठीक है कि नहीं, बंपर टू बंपर बिल्कुल जेन्युइन है आप जाए। ठीक है, तो इसी तरह अगर कार आप परचेज करने जा रहे हैं, उसको वो एक्सीडेंट है, बिल्कुल प्रॉपर करा के, पेंट वेंट करा के खड़े कर दें, सब कुछ सही करा के, तो ये क्या कर रहे हैं, वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं। ये बेसिकली वो फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान में जब बारिश हुई है, तो बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है, लोगों की गाड़ियां तैरी हैं। ठीक है, तो ये फ्लडेड व्हीकल हो गई है, अब इनमें पानी चला गया तो ये काफी खराब हो चुकी होती हैं, लेकिन लोग इनको सेल करेंगे छुपा छुपा के, और वो आपको बताएंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं। तो जब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं, तो वो भी एक फ्रॉड है कि जानबूझ के आप किसी मटेरियल फैक्ट को छुपा रहे हैं, जानबूझ के आप किसी मटेरियल फैक्ट को छुपा रहे हैं कि भाई, तो ये आपने फ्रॉड किया। यही बात लिखी हुई, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट इज टेकन एज मच एज फ्रॉड एज इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट वाज एक्सप्रेसली डिनाइड और रिवर्स इट एक्सप्रेसली स्टेटेड। मेयर नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट फ्रॉड वेयर देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ठीक है, एक तो होता है कि वो जानबूझ के छुपा रहे हैं, दूसरा ये कि वो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा। अच्छा, इधर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो वो फ्रॉड नहीं होता। ठीक है, कि उसने खुद से आपको कोई चीज नहीं बताई, लेकिन अगर आप उसको जानबूझ के वो कुछ ऐसी छुपाने वाली हरकतें कर रहा है, तो फिर वो फ्रॉड हो जाता है। जैसे कि एक्सीडेंटल गाड़ी में वो जानबूझ के करते हैं, ठीक है, कि उसको छुपा रहे हैं, जब उन्होंने छुपा दिया तो आपको पता भी नहीं चलता, तो वो फ्रॉड हो जाता है। आपको तो बाद में पता चलता है, जब कोई गाड़ी में काम निकलता है तो मैकेनिक वगैरह बताते हैं,
लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज लिखी हुई है कैवेट एम्प्टर या बायर बीवेयर। इसके मायने होते हैं लेट द बायर बीवेयर, कि बायर को हमेशा चौकन्ना रहना है, ऐसा ना हो कि आपसे कोई ऐसी कंसेलमेंट हो रही हो जिसका आपको देख के ही पता चल जाए कि जनाब ये आपके साथ फ्रॉड हुआ हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज ना हो कि आप कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं और उस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो फेक लगी हुई है, तो नंबर प्लेट आपको देख के ही पता चल जाती है कि ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, ये कैवेट एम्प्टर था ना, कि आपको लेट द बायर बी वेयर, आपको चौकन्ना रहना था, आपको तो देख के पता चल रहा था कि वो नंबर प्लेट जो है वो ओरिजिनल नहीं है और आप फिर भी उस चोरी की गाड़ी को परचेस करके ला रहे हैं, तो ये तो आपके साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं हुआ ना, ये तो आपकी अपनी गलती भी हुई। ये तो नॉर्मली एक इजी आसान सी बात है ना जो आपको पता चल जाती। तो ये चीजें हैं कि आप लेट द बायर बी वेयर, कि आपको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई झूठे पेपर बने हुए हैं किसी कार के, वो भी आपको बहुत आराम से सीपीएलसी से पता चल जाते हैं, ये चीज भी आप कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर रहे। तो सही है, अगले ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, लेकिन आप उस फैक्ट को बहुत इजीली डिस्कवर कर सकते थे। ठीक है, आप उस फैक्ट को बहुत इजीली डिस्कवर कर सकते थे, अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर वो कैवेट एम्प्टर उस पर अप्लाई होता है, फिर वो आपके साथ फ्रॉड में नहीं आ रही होती, वो आपकी अपनी गलती होती। ठीक है जनाब, जैसे कि नॉर्मली हम बकरीद के दिनों में जब जानवर परचेज करने जाते हैं तो वो कहते हैं इसको देख लो। ठीक है, अब उसमें जो चीजें उन्होंने की भी होती हैं वो बहुत इजीली डिस्कवर्ड होती हैं, वो बहुत आसानी से आप डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है। ठीक है, इसमें फिर कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, वो आपकी गलती है, क्योंकि जो भी चीज वो कर रहे हैं वो तो बहुत आसानी से डिस्कवर हो जाती है, लेकिन आप नहीं कर रहे, ये आपकी गलती होती है। ठीक है, जानवर का फॉर एग्जाम्पल सिंग विंग टूटा हुआ है, वो चीज पता चल जाती है। हाँ, अगर उसको इंटरनल कोई स्टमक प्रॉब्लम वगैरह हुआ है वो चीज पता नहीं चल रही होती, लेकिन बहुत सी चीजें तो आपको खुद ही पता चल जाती है। ठीक है, तो वो भी फ्रॉड में फिर नहीं, आपने कैवेट एम्प्टर को हमेशा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि लॉ ने हमेशा यही कहा है कि बायर को हमेशा चौकन्ना रहना है, उसको सोच समझ के ही फैसला करना है। तो कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल इंटेलिजेंस से डिस्कवर हो सकती है उसको जबरदस्ती आप बच्चे बन के चीज खरीद लें तो ये फिर फ्रॉड नहीं होता। तीसरा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें आपकी शुरू से ही नियत हो कि मैंने परफॉर्म नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल किसी से एडवांस लेना ये कह के कि मैं आपको गुड्स डिलीवर्ड कर दूंगा, और एडवांस लेते वक्त ही आपके जहन में होगा तो भाई डिलीवर्ड तो करनी नहीं है, वो पैसे लेके निकलना है, तो ये फ्रॉड है। ठीक है, कि कोई भी ऐसी हरकत करना जो कि, कोई भी ऐसा प्रॉमिस करना जो कि आपको स्टार्ट से था कि मैं ये परफॉर्म कभी करूंगा ही नहीं, ये फिर फ्रॉड में आता है। इसके अलावा एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, देखिए अब इसमें बात लिखी हुई है, दैट फर्टिलिटी ऑफ मेन्स इन्वेंशन इन डिवाइसिंग न्यू स्कीम्स ऑफ फ्रॉड इज सो ग्रेट दैट इट वुड बी डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल टू कन्फाइन फ्रॉड विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ऑल सरप्राइज ट्रिक कनिंग डिसेंबलिंग एंड एनी अदर अनफेयर वे दैट इज यूज टू चेक cheat anyone is considered fraud, and subsection 4 is obviously intended to cover all those cases of fraud which cannot appropriately to be covered by the other subsections. देखिए उन्होंने खुद लिख दिया कि इसके अलावा, जो ऊपर हमने तीन दिए हैं, अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी ट्रिक इजाद की हुई है तो वो भी फ्रॉड में आएगी, जो लोगों को चीट कर रही है। ठीक है, क्योंकि इंसान का जो जहन है, जो उसकी फर्टेलिटी है, जो इन्वेंशन की, वो बहुत तेज है कि वो नई नई स्कीमें डेवलप करता रहता है फ्रॉड की। ठीक है, बहुत सी आई है माजी में, डबल शाबी आए थे इससे पहले के पैसे डबल कर करके दे रहे थे लोगों को। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी स्कीम माजी में आई है जो कि फ्रॉड में आई हुई है। ठीक है, तो जिस तरह की आपके साथ बहुत बड़े पैमाने पे एक फ्रॉड खेला जा रहा था गोल्ड माइन इंटरनेशनल का, ठीक है, कि वो लोगों को डॉलर पे डॉलर दे रहे थे और लोग बेवकूफ बन बन के अपने पैसे उनको दे रहे थे, तो ये भी एक फ्रॉड की ही तरीका था। तो कोई भी ऐसी चीज इन तीन के अलावा भी जो कि ये बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो इन तीन के अलावा जो ऊपर दिए गए, अगर धोखा देने की नियत से आप किसी को करें, किसी को चीट करने की नियत से करें, तो हम कहते हैं कि आपने वो फ्रॉड किया है, आपके साथ फ्रॉड
हो गया है, लॉ उसको फ्रॉड नहीं कंसीडर करता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, चार बता दे, चार ही तो बता रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर वाले तीन में ना आए। देखो इंसान जो है ना, इंसान की जो दिमाग है वो बहुत तेजी से ट्रिक डेवलप करता है, क्योंकि जो काम तुम करते हो उस काम में तुम बहुत माहिर होते जाते हो। अगर तुम फ्रॉड करने की नियत रखो ना, तो तुम नई नई ट्रिक्स डेवलप करते रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए लॉ ने इस चौथे पॉइंट को इसलिए रखा कि भाई तीन तो हमने बता दिए, उसके अलावा भी अगर कोई नई ट्रिक जनरेट हो गई तो अब दोबारा से तो वो लिखने नहीं बैठेंगे ना लॉ। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि कोई भी नई ट्रिक जनरेट करे जिससे लोगों को चीट कर रहे हो, ठीक है, जिससे तुम लोगों को चीट कर रहे हो, तो वो बेसिकली फ्रॉड में ही आती है। ठीक है, वो फ्रॉड में कहते हैं उसको। फिर इसके अलावा पांचवा, एनी एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई भी एक्ट कोई भी ओमिशन जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर कर दिया फ्रॉड है। जैसे कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो सेलर की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम फैक्ट्स डिस्क्लोज करे बायर को, तमाम डिफेक्ट्स प्रॉपर्टी के डिस्क्लोज करे बायर को। ये लॉ ने प्रॉपर्टी एक्ट में डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करें, तो जितने उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, ये जरूरी है कि बायर को डिस्क्लोज किए जाए। लेकिन अगर आप नहीं करते तो दर हकीकत आप फ्रॉड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा ही है कि प्रॉपर्टी ठेकेदार या आर्किटेक्ट जो भी आपके हैं वो बनाते हैं, और फिर उसको वो बेच रहे होते हैं लोगों को, तो जिस तरह की चीजें उसमें हुई भी होती हैं वो क्लियरली मटेरियल डिफेक्ट्स होते हैं जो आपने डिस्क्लोज करने होते हैं। ठीक है, तो एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू फ्रॉडुलेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि कोई भी ऐसी चीज जो लॉ स्पेशली कहे कि बतानी है और आप नहीं करते, तो वो भी फ्रॉड में आता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि लॉ ने खुद बोला हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप कभी भी सेल आउट करेंगे, आप बाउंड है कि आप डिस्क्लोज करें तमाम मटीरियल डिफेक्ट्स। अगर उसकी रूफ में क्रैक है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बाकी चीजें हैं, ये तमाम की तमाम आपको जरूरी है आप बायर को बताएं। लेकिन अगर आप नहीं बताते तो दर हकीकत आप फ्रॉड करते हैं। अच्छा, फ्रॉड में और सिर्फ अपनी चीज की तारीफ करने में फर्क है। ठीक है, अगर कोई शख्स अपनी चीज बेचते हुए तारीफ कर रहा है कि इससे अच्छी मार्केट में नहीं है, इससे अच्छी ये मार्केट की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, सबसे तेज रनिंग आइटम है, अगर ऐसी कोई बातें कर रहा है तो ये फ्रॉड नहीं होता। ठीक है, तो तारीफ करने में और फ्रॉड में फर्क होता है, ये याद रखिएगा। कोई सवाल है यहां तक तो पूछो। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट? एक मिनट सर, पॉइंट पांच और पॉइंट वन तो सेम हुआ ना? नहीं, पॉइंट पांच और पॉइंट वन सेम नहीं हुआ। पॉइंट वन में वो कह रहा था कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता है कि झूठी है, आपको पता है ऐसा नहीं है तब भी आप बता रहे हैं। जैसे कि आप किसी को बोले मेरी फैक्ट्री का टर्नओवर 10 मिलियन है, हालांकि आपको पता है आपका टर्नओवर 10 मिलियन नहीं है, तब भी आप किसी को बेच रहे हैं, तो ये चीज आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, और पांच पॉइंट में वो कह रहा है कि कोई भी चीज जो लॉ ने कहा हुआ हो कि डिस्क्लोज करो, मतलब आप खामोश हैं, आप बोल नहीं रहे ना, आप झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे। अब लॉ ने प्रॉपर्टी एक्ट में कहा हुआ है कि घर में कोई भी डिफेक्ट हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, आप बायर को डिस्क्लोज करें, आप चुप हैं, आप बोल नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि वहां पे आपने तमाम फैक्ट्स डिफेक्ट्स बताने, लेकिन आप नहीं बता रहे, तो ये आप दरहकीकत फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोनों में ये फर्क पांच रिपीट कर दिया। तारीफ और फ्रॉड साथ साथ हो सकते हैं, मीन हम तारीफ करके फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जरा एग्जांपल दें आप, तारीफ और फ्रॉड एक साथ कैसे कर रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट की अगर तारीफ कर रहे हैं कि ये मार्केट की सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, तो इसमें आप क्या फ्रॉड कर रहे हैं? आप तो अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, या ये जो है आप उसकी ये जमीन जो है ये बहुत फर्टाइल है, या कोई भी शख्स अपनी किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता है, तो वो फ्रॉड नहीं है, तारीफ उसका हक है, वो कर सकता है। अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है ना, उसको सेल भी तो करनी है। ठीक है, तो तारीफ करने में और फ्रॉड करने में फर्क होता है। एक होता है प्रोडक्ट की तारीफ करना, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ ये जूसर ब्लेंडर जो है ये मार्केट में सबसे अच्छा है, ठीक है,
एक चीज है जो मुझे पता है कि ये दूसरा ब्लेंडर नहीं कर सकता, मैं आपको वो बताऊं वो फ्रॉड है। जैसे कि मैं उससे कहूं, आपको कहूं ये अखरोट पीस देता है, मुझे पता है ये अखरोट नहीं पीस सकता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अखरोट पीस देता है, ये है फ्रॉड। कि मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो मुझे पता है झूठ है और मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि ये मार्केट का सबसे अच्छा जूसर है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं। सर पांचवा ही पॉइंट तो डिस्क्लोज कर रहा था, पांचवा पॉइंट अभी बताया है, मैंने दोबारा बता देता हूँ कि देखें कि कोई भी चीज जो लॉ स्पेशली डिक्लेयर कर दे किसी भी चीज के बारे में कि ये काम आपने करना है कोई भी चीज बेचते वक्त, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर कोई भी मटेरियल डिफेक्ट होगा तो वो आपने बताना है बायर को, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो बेसिकली आप फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ने आपको बाउंड किया हुआ है कि आपको बताना है उस जगह, लेकिन आप नहीं बता रहे तो आप फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोई पर्सन जैसे अपने फ्रेंड की कंपनी की तारीफ फ्रॉडुलेंटली कर रहा है किसी के सामने, तो वो फ्रॉड है। देखिए तारीफ में फर्क है ना, अभी मैंने एग्जांपल दी ना कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो स्टेटमेंट उसमें नहीं है, जैसे कि मैंने कहा आप कह रहे हैं कि जूसर ब्लेंडर जो है मेरा ये अखरोट पीस देता है, हालांकि मुझे पता है वो नहीं पीस सकता, ये फ्रॉड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ये मार्केट की बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, ये आपको कभी अफसुर्दा नहीं करेगा, ये तमाम चीजें फ्रॉड नहीं है, ये मैं तारीफ कर रहा हूं। भाई अगर ऐसी इल्यूजनरी, अब ये है इल्यूजनरी तारीफ करना कि मेरी कार हवा में उड़ सकती, देन इट विल बी फ्रॉड और नॉट, ये भी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजीली डिस्कवरेबल ट्रूथ है कि अगर तुम किसी को कहोगे कि तुम्हारी कार हवा में उड़ सकती है तो वो एक काम करेगा, वो बोलेगा यार एक काम करो तुम शायद होश में नहीं हो, हम कल बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की बात करेगा, तो ये भी बहुत इजीली डिस्कवरेबल ट्रुथ है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता सिवाय दो केसेस के, दो इसके एक्सेप्शन है, या इसको हम कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड भी कहते हैं, साइलेंस इज फ्रॉडुलेंट को समटाइम्स कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड भी कहते हैं, कभी भी चुप रहना फ्रॉड नहीं होता सिवाय दो सिचुएशंस के, एक जब बोलना आपकी जिम्मेदारी हो आपकी ड्यूटी हो, दूसरा जब आपका खामोश रहना बोलने के बराबर हो। दो बातें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ फ्रॉड कंसीडर होता है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं होता, ठीक है, कभी भी खामोश रहना फ्रॉड नहीं होता सिवाय इन दो एक्सेप्शंस के, एक जब तुम्हारी जिम्मेदारी है बोलना ड्यूटी टू स्पीक, दूसरा साइलेंस इज इक्वेलेंट टू स्पीच, कि तुम्हारा खामोश रहना इस वक्त बोलने के बराबर था, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब कौन कौन सी जगहें ऐसी होती हैं जहां पे बोलना, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पे बोलना जरूरी है, अगर आप खामोश रहे तो वो फ्रॉड हो जाता है, वो बेसिकली अटमोस्ट गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भरोसे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वहां पे बोलना जरूरी होता है, अगर आप वहां पे नहीं बोलते तो बेसिकली वो फ्रॉड कहलाता है, जहां पे ड्यूटी टू स्पीक आ जाए। तो उसमें पहला होता फ्यूजरी रिलेशन, भरोसे का रिश्ता। देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपको वहां पे ब्रोकर के थ्रू शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, ये एक भरोसे का रिश्ता होता है कि आपका और ब्रोकर का, कि आपका ब्रोकर के थ्रू शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, और ये एक भरोसे का रिश्ता होता है, ठीक है। अगर कोई ब्रोकर, अब यहां पे ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपके बिहाफ पे, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम आपको चीजें बताएगा, तमाम के तमाम फैक्ट्स आपको वो बताएगा, अगर वो नहीं बताता तो यहां पे उसकी जिम्मेदारी, वो नहीं बता रहा वो सिर्फ खामोश रह रहा है तो यहां पे उसकी जिम्मेदारी भी बताना, और अगर वो सिर्फ खामोश रहता है तो दर हकीकत वो फ्रॉड करता है। जैसे कि अगर कोई ब्रोकर आपको अपने ही शेयर सेल आउट कर दे जो उसने खुद खरीदे हुए थे, आपको शेयर तो दिला रहा है लेकिन आपको बता नहीं रहा ये वही शेयर थे जो मैंने खरीदे थे, मैं खुद तुम्हें सेल कर रहा हूँ, ये बात वो नहीं बता रहा तो दर हकीकत वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि आपका और उसका रिश्ता एक फ्यूचरी रिलेशनशिप है, एक भरोसे का रिश्ता है, ठीक है, एक
भरोसे का रिश्ता है, तो यहां पे भी वो अगर खामोश रह रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है जनाब, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। इसी तरह वकील और क्लाइंट का रिश्ता होता है। ठीक है, अगर क्लाइंट कोई बात छुपा रहा है, वकील को नहीं बता रहा, तो दरअकीकत तो वो फ्रॉड कर रहा है। कि वो खामोश रह रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है, उसको चाहिए कि वो पूरा केस जो है उसको बताए, जहां उसकी गलती है वो भी बताए। ठीक है, तो अगर वो ऐसा नहीं करता, खामोश रहता है, तो वो भी एक फ्रॉड करता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है कि उसको बोलना है, रिश्ता ऐसा है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर आप किसी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में होता है, पूरा प्लान करके मरने से पहले इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने नॉर्मली देखा होगा, तो वो दरहकीकत फ्रॉड ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्यूटी टू स्पीक। देखिए, खैर फिल्मों को छोड़े, अगर कोई बीमारी है किसी इंसान को और वो जानबूझ के अपना इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसको वो बीमारी डिस्क्लोज करनी है, वो सिर्फ खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहां पे बोले और बताए कि मुझे ये बीमारी है। ठीक है, इंश्योरेंस लेने से पहले पहले ये जरूरी है। ठीक है, अगर वो चुप रहता है तो दर हकीकत वो एक फ्रॉड करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आपने फुल डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, तमाम मटेरियल फैक्ट्स आपने कम्युनिकेट करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दर हकीकत ये फ्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइफ थ्रेट मिला हुआ है ऑलरेडी, आपको लाइफ थ्रेट मिला हुआ है कि आपको मारने की धमकी मिली भी है, और आप जानबूझ के अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और उस वक्त उनको बता नहीं रहे ये बात, तो आपकी जिम्मेदारी की बात आप उनको बताएं ऑलरेडी कि मेरे को ऑलरेडी लाइफ थ्रेट है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे भी बोलना जरूरी है। अगर आप खामोश रहेंगे तो फ्रॉड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट, एक मिनट, एक सवाल आया है, ये देख लेते हैं। और अगर बीमारी का पता ही बाद में पता चले, तुम्हें खुद बाद में पता चला, तो फिर फ्रॉड नहीं है, वो तो तुम्हें ही नहीं पता चला ना, क्या कर सकते, इसका मतलब है कभी चेक ही नहीं हुआ कि कोरोना वायरस था भी कि नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट, एवरी मटीरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, अदरवाइज अदर पार्टी इज जस्टिफाइड इन ब्रेकिंग ऑफ द एंगेजमेंट। अगर कोई एंगेजमेंट होती है तो दर हकीकत ये मैरिज के लिए होती है कि फ्यूचर में जाके मैरिज हो जाएगी। ठीक है, अगर एंगेजमेंट हो रही है और लड़के के बारे में या लड़की के बारे में कोई भी चीज है, तो वो आपने फुल्ली डिस्क्लोज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़का या लड़की में पहले से कोई तलाकशुदा था, तो ये आपको बताना है। अगर आप नहीं बताते तो ये भी आप फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पूछा नहीं तो आपने बताया भी नहीं, आप खामोश रहे। ठीक है, पूछेगा तो कोई नहीं ना कि पहली शादी है कि दूसरी शादी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से बताएं। अगर आप इस जगह सिर्फ खामोश रहते हैं तो आप फ्रॉड करते हैं, क्योंकि ये भी एक भरोसे का रिश्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप फ्रॉड करते हैं अगर आप खामोश रहते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया है, कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड यही है कि खामोश रहने को फ्रॉड जो कहा जाता है, ये कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड है। ठीक है जी, तो मैरिज में भी हो गया। एक मिनट, एक और सवाल है सर, ये फ्रॉड क्यों है? अगर एक बंदे को थ्रेट मिली है तो वो इंश्योरेंस करवाएगा अपनी फैमिली वगैरह के लिए, ये फ्रॉड इसलिए कि वो बता नहीं रहा। देखें, अगर एक शख्स को थ्रेट मिली है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। आप मुझे बताएं ना, एक शख्स 60 साल का है, उसका प्रीमियम ज्यादा होता है इंश्योरेंस कंपनी में, या जो जवान होता है उसका कम होता है? अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, 60 साल वाले का हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा होती है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसकी बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि हमारे पैसे जाने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए वो प्रीमियम भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन एक शख्स जवान होता है तो उसका प्रीमियम कम लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप पलट के रिवर्स में देखें, अगर आप कोई कंपनी, जब कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेती है, तो उसमें जब मैटरनिटी डलवाती है, ठीक है, तो मैटरनिटी में हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है, वो यंगस्टर्स के ज्यादा करती है, जिनका एज ब्रैकेट 20 साल से 45 साल के दरमियान या 40 साल के दरमियान होगा, इनका प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेगी, बनिस्बत उसके जो 60 साल का, 60 साल के ऊपर का, तो वो मेरे ख्याल से 700-800 रुपये प्रीमियम चार्ज करते हैं। ठीक है, या 50 साल से 55 साल का 1,000 रुपये चार्ज करते हैं, इस तरह से चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे चांसेस ज्यादा है। ठीक है, कौन ये फैसिलिटी हमारी ज्यादा यूज करेगा, जब ज्यादा यूज करेगा तो लाजमी ज्यादा हमारी तरफ से कैश का आउटफ्लो ज्यादा होगा ना, हमारी पेमेंट ज्यादा होगी,
तो ये वजह होती है कि डिस्क्लोज करना है। अगर तुम्हें, अगर खुदा ना खासा किसी को लाइफ थ्रेट मिला हुआ है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के ज्यादा चांसेस है मरने के उसके। वैसे तो जिंदगी मौत का किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप देखें तो ये ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा जी, ये एक साहब पूछ रहे हैं सर, आउट ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है कि अगर आंसर करना चाहें तो इंश्योरेंस बेसिकली सूद है, मतलब इंश्योरेंस कैसे सूद है। देखिए इसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे कभी, आपको मैं समझा दूंगा कि इंश्योरेंस सूद है या नहीं है, ये तमाम चीजें, ये बड़ी एक डिटेल बहस है, ठीक है। वैसे तो फाइनेंशियल सेक्टर है, आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है तकाफुल भी एक चीज है, तो इसमें बहुत सी चीजें निकल आती हैं, ठीक है जी। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी की भी आप बात करते हैं ना, तो जिसको लाइफ थ्रेट होगा उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर आप उसको चुप रह रहे हैं, नहीं बता रहे कि मुझे लाइफ थ्रेट था, उसने आपका प्रीमियम कम रखा है, क्योंकि आपके चांसेस ज्यादा है दूसरे से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, फैमिली में जो विरासत वगैरह में प्रॉपर्टी मिलती है उसकी सेटलमेंट होती है, तो ये भी जरूरी होता है कि अगर किसी को जो भी प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि बाज औकात अभी तो नहीं, पुराने दौरों में ऐसा होता था कि वालिद साहब जो होते थे वो हर बच्चे को बताते ही नहीं थे प्रॉपर्टी किधर है। अभी भी अगर इंडिया में आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो राजस्थान में यही सीन होता है कि वो सिर्फ एक ही बच्चे को प्रॉपर्टी बाप बता रहा होता है, बाकी किसी को बता ही नहीं रहा होता, इवन अपनी वाइफ को भी नहीं बता रहा होता, ठीक है। तो वहां पे अक्सर फैमिलीज में ऐसा ही होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये जरूरी होता है कि जब फैमिली सेटलमेंट हो, विरासत हो, तो फुल डिस्क्लोजर दिया जाए सारे बच्चों के सामने कि भाई ये टोटल प्रॉपर्टी थी, ऐसा नहीं है कि कुछ आपने अपने लिए साइड में कर लियो, नहीं, ये टोटल प्रॉपर्टी थी, फिर उसमें से होगा। तो फैमिली सेटलमेंट में भी खामोश रहने को कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड कहते हैं हम। आपको जरूरी है बोलना इधर कि आपकी जिम्मेदारी, आप बोलें और तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जितनी भी है वो फुल्ली डिस्क्लोज करें, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। देखिए प्रोमोटर्स शायद मैंने पहले बताया नहीं बताया, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी का आइडिया फॉर्म करते हैं और बाद में आगे जाके फिर ये कंपनी में भारी भारी पोजीशंस पे बैठ जाते हैं, आइडिया फॉर्म करते हैं और कंपनी को बना रहे होते हैं। तो प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हु इश्यू द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइबर फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एंड एज सच दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड इज रिगार्डिंग द कंपनी विद स्ट्रिक्ट एंड स्क्रुपुलस एक्यूरेसी, ठीक है जी। कहते हैं आपकी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। प्रोस्पेक्टस बेसिकली कहते हैं परचेज ऑफ शेयर्स के लिए आप इनविटेशन सेंड करते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ शेयर्स के लिए आप इनविटेशन देते हैं जनरल पब्लिक को कि आए और परचेज कर लें हमारे शेयर्स, तो बेसिकली वो प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। इनिशियल प्रोस्पेक्टस भी होता है, सब्सिक्वेंट भी होता है, क्योंकि मैं इजाफी बात बता रहा हूँ कि कंपनी नॉर्मली इनिशियली भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जब पहली बार शेयर इशू करती है, न्यूली फॉर्म हो रही होती है। फिर उसके बाद वक्तन फवक्तन जब उनको फील होता है कि हमें शेयर इशू करने चाहिए, हमें फंड्स की जरूरत है, इक्विटी की जरूरत है, तो वो शेयर इशू करते हैं, उसको हम सब्सिक्वेंट प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर या सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक दावतनामा होता है, एक इन्विटेशन होता है कि हमारी शेयर परचेस करें, तो वहां पे भी तमाम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी होती है। यही बात लिखी हुई है, प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हु इश्यू द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स पजेस इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एंड एज दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। कह रहे हैं कि जो भी प्रोमोटर और डायरेक्टर होते हैं उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जनरल पब्लिक को नहीं होती, तो जब भी वो कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे तो जरूरी है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन उसके साथ डिस्क्लोज करेंगे, इक्विटी वगैरह सारी चीजें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस जो भी है सब्सिक्वेंट में, फिर वो तमाम चीजें वो उसकी डिस्क्लोज करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है वो उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर वो खामोश रहते हैं तो दरहकीकत वो फ्रॉड करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर समझ लो बॉन्ड को ही कहते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मामूली सा फर्क है लेकिन एक ही समझ लो तुम, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कहते हैं। वैसे ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, बहरा आप पढ़ेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड कब शेयर्स एंड डिबेंचर्स में, अकाउंटिंग में आपका सेमेस्टर वन में एक टॉपिक होगा इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का, वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है। साइलेंस इज फ्रॉडुलेंट वेयर द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, ठीक है।
जहां पे साइलेंस इक्वेलेंट टू स्पीच हो जाए. फॉर एग्जाम्पल देखें, इसमें खुद ही लिखा हुआ है. वेयर फॉर एग्जाम्पल बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शेल अज्यूम दैट द हॉर्स इज सम. कह रहे हैं कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा ये जो हॉर्स है ये बिल्कुल सही है, पागल नहीं है. और यहां पे ए सेज नथिंग. अब ए खामोश रहे तो इसके क्या मायने हो गए? अगर आप किसी शख्स को बोलेंगे अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूंगा ये समझ के कि ये बिल्कुल सही है, और वो खामोश रहता है, तो इसके क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया उसने हाँ कह दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है. तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है जहां पे साइलेंस इक्वेलेंट टू स्पीच हो जाए और वहां पे आप सही बात नहीं बताते तो वो फ्रॉड कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोडक्ट जैसे लिखा है इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, कि अगर तुम झूठ तुम मना नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि ये हॉर्स सही है. ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है. अब उन्होंने मना नहीं करा, वो सिर्फ खामोश रहे, हालांकि हॉर्स सही नहीं था, तो उन्होंने फ्रॉड किया. अगर हॉर्स सही नहीं था और वो खामोश रहे तो उन्होंने फ्रॉड किया, क्योंकि उनका चुप रहना यहाँ पे इक्विवेलेंट टू स्पीच था, कि बेसिकली चुप रह के उन्होंने अगले को बोला कि हाँ हॉर्स सही है. ठीक है, तो ये बेसिकली एक फ्रॉड हुआ. इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड. ठीक है जी, अब फ्रॉड के इफेक्ट्स को देखते हैं. पहला, अ पार्टी हु हैज बीन इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड हैज द फॉलोइंग रेमेडीज ओपन टू हिम. पहली, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन अवॉइड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन. जिसके भी साथ फ्रॉड हुआ है उसके बाद पहला चीज ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे फॉर बीइंग वॉइडेबल. ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, आपको पता है उसका कॉन्सेंट फ्री नहीं था, उसको तो फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है. तो अगर किसी का कॉन्सेंट फ्री नहीं था और उसको फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है तो हम कहते हैं कि आपके साथ आपके पास ऑप्शन एक्टिव हो जाता है वाइडेबल का, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें. तो ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेंड मतलब कैंसिलेशन. दूसरा, he can ask for restitution and state that the contract shall be performed and that shall be put in a position which he would have been if the representation made had been true. कह रहे हैं कि भाई वो ये भी कर सकता है कि restitution करवा दे. ठीक है, वो कहे मुझे उसी position में लाओ जिस position में मैं होता अगर ये fraud तुमने मेरे साथ नहीं किया होता. For example, अगर किसी शख्स ने आपको झूठ बोल के कोई product बेची, ठीक है, जैसे कि एक कार थी वो एक्सीडेंटल थी, ठीक है, एक्सीडेंटल थी और आपको किसी ने ये बोल के बेची कि नहीं ये बिल्कुल टिप टॉप है, तो लाजमी सी बात है एक्सीडेंटल कार आप उतने में नहीं खरीदते. वही रेमेडी जैसे कि हमने मिसरिप्रेजेंटेशन में पढ़ी थी. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि आप किसी को कहें कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट को चला लूंगा लेकिन मुझे उसी पोजिशन में ले आओ जिस पोजिशन में मैं था पहले था. ठीक है, जिस पोजिशन में मैं होता अगर तुम मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं करते. क्लियर. तीसरी रेमेडी है द एजरी पार्टी कैन ऑल्सो सू फॉर डैमेजेस इफ एनी फ्रॉड इज अ सिविल रॉन्ग, हैंस कंपनसेशन इज पेबल. फॉर इंस्टेंस इफ द पार्टी सफर्स इंजरी बिकॉज ऑफ अनसाउंड वर्ड्स. ठीक है, तीसरी रेमेडी क्या है? देखें ये उसके अंदर नहीं थी मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर, ये सिर्फ फ्रॉड में है. यही वजह थी कि एक स्टूडेंट ने जब मुझसे पूछा था कि सर वाइडेबल में रिस्टोरेशन होगी तो मैंने वहां पे एक चीज रेफर कराई गई कि मैं आपको इसका आंसर बाद में दूंगा क्योंकि मुख्तलिफ सूरताल में मुख्तलिफ चीजें. ठीक है, तो अब फ्रॉड में अगर आप देखें तो ना सिर्फ रिस्टोरेशन हो सकती है बल्कि डैमेजेस भी क्लेम होंगे. ठीक है, कि अगर आप किसी को पागल हॉर्स सेल आउट कर देते हैं और उसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो ना सिर्फ वो पैसे हॉर्स वगैरह तो अदला बदली जो भी है वो होगा, उसके अलावा वो आप पे डैमेज भी क्लेम करेगा कि जो मुझे इंजरी हुई है ये पैसे भी तुम दो. ठीक है, तो वो डैमेज भी क्लेम करेगा. ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई ना सिर्फ डैमेज क्लेम करेगा बल्कि वो जो हॉर्स लाने का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बाकी चीजें वो सारी चीजें भी वो क्लेम कर लेगा. वो तो डैमेज है, हॉर्स की कॉस्ट तो देगा देगा, वो सारी चीजें भी क्लेम करेगा जो उसको खाना खिलाया होगा, ये करा होगा, वो करा होगा, सारी चीज. तो फ्रॉड में आपको ना सिर्फ कॉम्पनसेशन या रजिस्ट्रेशन होता है बल्कि डैमेज भी क्लेम हो जाता है. अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हो गया तो डैमेज क्लेम होगा, क्योंकि जब भी फ्रॉड होता है तो अगले को नुकसान तो होता ही होता है. अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं फ्रॉड के हवाले से, इनको थोड़ा देख लें.
ठीक है जी, फॉर गिविंग राइज टू एन एक्शन फॉर डिसीट द फॉलोइंग डिजर्व स्पेशल अटेंशन। फ्रॉड बाय अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी रिकॉल्ड द कोअर्जन बाय अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, देखिए एक फ्रॉड होता है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को करती है ना, लेकिन कहीं कोई स्ट्रेंजर है वो दूसरी चीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको हम फ्रॉड नहीं कहते, उसको हम कोअर्जन कहते हैं। कोअर्जन में है कि स्ट्रेंजर जो है वो कर सकता है, वो किसी को धमका रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। फ्रॉड में ऐसा नहीं होता, फ्रॉड हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी ही करती है, ठीक है। वरना अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर उसको हम स्ट्रेंजर है तो उसको हम कोअर्जन कहते हैं। दूसरा, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट फॉर दिस द एग्रीड पार्टी वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन देंगे, जैसे कि आपने अपनी लैंड की रिप्रेजेंटेशन दी थी, वो क्या दी थी कि भाई ये लैंड 35,000 केजी वीट प्रोड्यूस करती है, कोई भी चीज आप फ्रॉडुलेंटली कह रहे हैं, वो चीज इंड्यूस करनी चाहिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए। लेकिन सिर्फ उसी चीज के लिए इंसान कॉन्ट्रैक्ट में ना आए, ठीक है, वो चीज आपको सिर्फ इंड्यूस करने के लिए हो। फ्रॉड होता है बेसिकली इंड्यूस्ड करने के लिए कि अगला कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, लेकिन कभी भी पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, बट फॉर दिस द एग्रीड पार्टी वुड नॉट, सिर्फ उस काम के लिए एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होती। बेसिकली आप आए किस लिए थे, आप तो लैंड परचेस करने के लिए आए थे, ठीक है, आप तो लैंड परचेस करने के लिए आए थे ना, आपके साथ फ्रॉड, आपको इंड्यूस किया गया गलत गलत चीजें बता के। आप अगर घर परचेस कर रहे हैं तो बेसिकली आप घर परचेस करने आए थे, आपको इंड्यूस किया गया उसके क्रैक छुपा के, आप सिर्फ क्रैक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए। हो सकता था अगर क्रैक आपको नजर भी आ जाए उसके बाद आप कहते प्राइस कम करो, आप घर खरीदने का माइंड चेंज नहीं करते, आप कहते प्राइस कम करो, ठीक है, क्रैक्स है ना, भर सकते हैं, आप प्राइस कम करवाते हैं। तो बेसिकली फ्रॉड आपको इंड्यूस्ड करके कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से फॉर्म नहीं हो रहा है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव वो ही नहीं है। आप सिर्फ उस काम के लिए, क्रैकों के लिए नहीं आ रहे आप कॉन्ट्रैक्ट में, अगर क्रैक होंगे तो आप वापस भी चले आए, नहीं, क्रैक देखें, क्रैक को छुपाना आपको इंड्यूस कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। हो सकता है अगर वो क्रैक विजिबल भी होते तो आप कॉन्ट्रैक्ट में तो आते, लेकिन प्राइस को नेगोशिएट करते। तो दर हकीकत इस सेंटेंस की ये मायने। तीसरा, द प्लेंटिफ मस्ट हैव बीन एक्चुअली डिसीव्ड बाय फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट, अ डिसीट विच डज नॉट डिसीव गिव्स नो ग्राउंड फॉर एक्शन। ये भी जरूरी है कि प्लेंटिफ को जो फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दिया गया वो डिसीव कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो धोखा नहीं दे रहा उसको हम फ्रॉड नहीं कहते। चौथा, द प्लेंटिफ मस्ट देयर फाइव बी डेमनीफाइड अनलेस द प्लेंटिफ हैज सस्टेन्ड अ डैमेज और इंजरी, नो एक्शन विल लाई। इट इज कॉमन सेइंग दैट देयर इज नो फ्रॉड विदाउट डैमेजेस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई प्लेंटिफ को साथ फ्रॉड होगा तो वो इंडेमनीफाई तो जरूर होगा, ठीक है, उसको डैमेज तो लाजमी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सेइंग यही है कि जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है तो अगले को कोई इंजरी वगैरह लाजमी होती है, ठीक है। तो जब भी फ्रॉड होगा तो लाजमी आते किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, जब नुकसान होगा तो आपने डैमेज तो पे करना होगा। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग। अच्छा, वो जो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड साइलेंस कैन बी फ्रॉड, ठीक है, उसमें भी ये बात याद रखिएगा कि अगर वो ट्रुथ डिस्कवर करना बहुत आसान होगा, ठीक है, अगर एक ट्रुथ डिस्कवर करना बहुत आसान है, नॉर्मल डेलिजेंस से ट्रुथ डिस्कवर हो सकता था, तो वहां पे भी खामोश रहने को हम, वो जो हमने रिलेशंस पढ़े थे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज या ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे कि अगर आप वहां पे बोल दें कि लड़के की तनख्वाह जो है वो 1,00,000 रुपए, अब ये डिस्कवर करना बहुत आसान है कि लड़का जो है फला कंपनी में जॉब करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में, अब ये बात आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे खामोशी है, जो भी लड़के के बारे में बात है उसकी जॉब गई हुई है, ये बातें डिस्कवर करना बहुत आसान है कि जो कंपनी उन्होंने बताई थी उस जगह आप कॉल करके पता कर ले, तो ये बातें डिस्कवर करना बहुत आसान थी, तो यहाँ पे ये चीज फ्रॉड में फिर नहीं आती। एक मिनट, क्वेश्चंस देखते हैं। सर प्लीज रिपीट पॉइंट वन। पॉइंट वन यही है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड नहीं करते, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी ही करती है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ करता है तो फिर हम उसको कोअर्जन कहते हैं। देखिए, क्रैक छुपाना बिल्कुल फ्रॉड है, लेकिन बात यह है कि फ्रॉड इंड्यूस कर रहा है। अगर देखो ना, एक घर में क्रैक पड़े तो और उसको कोई छुपा रहा है, तो बेसिकली वो तुम्हें इंड्यूस कर रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आओ, मेरी प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रैक विजिबल होते तो शायद तुम उसके बाद भी वो प्रोडक्ट खरीद लेते, लेकिन शर्त ये कि जो प्राइस
बिना क्रैक वाली के दे रहे थे वो क्रैक वाली के नहीं देते, तुम प्राइस में निगोशिएट करते। ठीक है, अगर कोई कार एक्सीडेंटल है तो हो सकता है तुम परचेस कर लो, लेकिन फिर तुम वैल्यू उतनी लगाओगे जो उसकी वैल्यू रखती है। ठीक है, तो फ्रॉड हमेशा जब भी होता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए होता है, इंड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ये तमाम वही बातें हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं, उन्हीं को कॉलम बना के लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि वहां पे एक फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, वो इंटेंशन टू डिसीव है, वो विदाउट इंटेंशन टू डिसीव है, वहां पे डैमेज नहीं होते, यहाँ पे डैमेज होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें। अब यहाँ आ जाए लॉस ऑफ राइट ऑफ पोजिशन। ठीक है कि कब कब आप अपना लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसीशन कर देते हैं, कि कब कब आप अपना जो रिसीशन का राइट है, जो कैंसिलेशन का राइट है, वो खो देते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला है अफर्मेशन। वी हैव ऑब्जर्व अर्लियर द कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट अबाउट बाय कोवर्जन एंड इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसर्न वाज सपोज्ड। Here the option either to rescind the contract or to affirm, but if the right of rescission is lost in the, कह रहे कि जब भी किसी के साथ voidable कोई contract होता है तो उसमें हमारे पास पता होता है कि हम या तो उसको affirm कर सकते हैं या rescind कर सकते हैं। लेकिन कब कब इन सूरत हाल में जो cases नीचे लिखे हैं, फिर आप rescission का right खो देते हैं, आप contract को cancel नहीं कर सकते। जैसे कि injury किसी भी चीज की हो सकती है, money loss is also injury। जी बिल्कुल, injury किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है जी, अफर्मेशन। इफ आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ हिज राइट टू रिसेंट द एग्री पार्टी अफर्म्स द ट्रांजैक्शन ईदर बाय एक्सप्रेस वर्ड और बाय एन एक्ट व्हिच शोज एन इंटेंशन टू अफर्म इट, द राइट ऑफ रिसेशन इज लॉस्ट। ठीक है जी, जैसे कि अगर एग्री पार्टी को पता भी चल जाए कि उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया, वॉइडेबल था, लेकिन उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर ले, या तो एक्सप्रेस वर्ड से कर ले या कोई ऐसा एक्ट कर दे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आपको लगे कि एग्री हो गया। फॉर एग्जांपल, किसी ने फ्रॉड वगैरह करके आपको खराब प्रोडक्ट बेची, आपको पता भी चल गया, लेकिन आपने क्या करा, उसको मुंह से नहीं बोला, आपने उन प्रोडक्ट को आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया, या आपने एक ऐसा एक्ट करा जिसकी वजह से पता चल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से राजी हो गए, तो यहाँ पे भी आप कैंसिलेशन का राइट खो देते हैं। ठीक है, और अगर आप खुद से एग्री कर लें, मुंह से एक्सप्रेस वर्ड से, तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, तो जब भी आप इकरार कर लेंगे, अफर्मेशन कर लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट का राइट खो देते हैं। जब भी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है आप दो काम कर सकते हैं, या तो अफर्म करें या रिसेंट करें। अगर आपने अफर्म कर लिया तो फिर आप रिसेशन का राइट खो देते हैं, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगला, रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल। इफ द पार्टी सीकिंग रिसेशन इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिस्टोर द बेनिफिट्स ही मे ऑब्टेन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एजरी पार्टी है वो जो बेनिफिट्स ले चुकी थी रिस्टोरेशन में, अगर उसको भी कोई बेनिफिट मिला है, वो खर्च कर चुकी है। फॉर एग्जांपल, आपसे गन पॉइंट पे किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साइन कराए कि मैं ये सेल करूंगा, मुझे परचेस, मुझे सेल करो, और उसने आपको कुछ एडवांस दिया और वो एडवांस आपने लेके खर्च कर दिया, और उसके बाद आप अगर रेसिशन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने रेस्टिट्यूशन खत्म हो गया, आपका रेस्टिट्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। जो बेनिफिट आप ले चुके हैं वो आप कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम। एक मिनट, सवाल आया है सर, टू बता दें, टू है, अच्छा टू ही बता दें सबको, मैं बताता हूं। एक मिनट, टू है रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, कि जो बेनिफिट भी एजरीफ पार्टी, देखो फ्रॉड जब होता है तो एजरीफ पार्टी जाएगी ना वॉइडेबल करने कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड हो या कुछ भी चीज हो, भले वो कोर्जन हुआ उसके साथ, एंडी इन्फ्लुएंस हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन एजरीफ पार्टी जाएगी ना। अगर एजरीफ पार्टी, अब लाजमी जाते उसको भी कोई बेनिफिट अगर मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई उसमें बेनिफिट लिया था, ठीक है, जैसे कि आपने आप एडवांस ले लिया था, आपके साथ एंडी इन्फ्लुएंस हुआ, आप अपना मोबाइल सेल कर रहे थे अपने बॉस को, और आपके बॉस ने आपको पैसे दे दिए, तो और वो पैसे आप कंज्यूम कर चुके हैं, तो अब रेस्टिट्यूशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप पैसे वापस नहीं दे सकते, आप तो कंज्यूम कर चुके हैं। तो अगर रेस्टिट्यूशन कंज्यूम होते गए, अगर आप उधार लेके वापस कर दें वो अलग बात है, फिर तो मुमकिन है ना रेस्टिट्यूशन, लेकिन आप पेमेंट
वापस करने की ही इस्तेदाद नहीं रखते, क्योंकि आप कंज्यूम कर चुके हैं, अब आप मजीद इस्तेदाद नहीं रखते, तो फिर तो जब उसके बेनिफिट ही आप रिस्टोर नहीं करा सकते तो फिर रेस्टिट्यूशन ही मुमकिन नहीं है, तो रेस्टिट्यूशन मुमकिन नहीं है तो रेस्टिट्यूशन भी खत्म हो गया, आपका राइट ही खत्म हो गया, ठीक, क्योंकि जो चीज आपको अगेंस्ट में मिली वो आपने कंज्यूम कर ली है, ठीक है, वो चीज आपने कंज्यूम कर ली है, तो ये चीज लैप्स ऑफ टाइम इट मे बी ट्रीटेड एज एविडेंस ऑफ अफर्मेशन वेयर द पार्टी मिसलेड fails to exercise his right promptly or discovering the representation to be into or becoming aware of product origin. अगर आप बहुत ज्यादा डिले कर दें ट्रूथ डिस्कवर करने में, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ट्रूथ डिस्कवर करने में बहुत ज्यादा डिले कर दें या कोई भी ऐसी चीज कर दें, ठीक है, आपको पता चलने में बहुत देर हो जाए, टाइम लैप्स हो जाए, बहुत डिले हो जाए, तो भी रिसेशन पॉसिबल नहीं होता, कैंसिलेशन नहीं होता, ये आपने एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर करना होगा। अगर बहुत ज्यादा टाइम पास हो चुका है तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना, क्या आप एक साल बाद जा रहे हैं जी मेरे साथ अंडू इन्फ्लुएंस करके मेरे बॉस ने मेरा मोबाइल खरीदा था, तो अब तो रिसेशन मुमकिन ही नहीं है, कैंसिलेशन मुमकिन नहीं है। राइट ऑफ थर्ड पार्टी, राइट ऑफ थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ धोखा करके आपकी घड़ी खरीद ली, आपको जाली नोट देके आपकी घड़ी खरीदी और फॉरन लाके वो घड़ी जो है वो अपने दो आप मिस्टर सी को सेल आउट कर दी, अब क्या है मैंने थर्ड पार्टी का राइट क्रिएट करा दिया घड़ी के ऊपर, तो अब रिसीशन तो नहीं हो सकती। हाँ मेरे ऊपर आप दूसरा केस कर दें डैमेज वगैरह का, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन रिसीशन मुमकिन नहीं है अब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया परफॉर्म, क्योंकि मैंने उस पर थर्ड पार्टी का राइट क्रिएट करा दिया। अच्छा इसमें यह भी जरूरी है कि जो थर्ड पार्टी उसकी इंटेंशन बोनाफाइड हो, उसकी मेलाफाइड इंटेंशन ना उसकी बोनाफाइड हो विद गुड इंटेंशन, उसको हमारी डील के बारे में ना पता हो कि मैं आपको जाली नोट देके घड़ी लेकर आया, ठीक है, उसको ये बात ना पता हो, वो बोनाफाइड तौर पे घड़ी मुझसे खरीदेगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप रिसीशन का राइट फिर खो देते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ, फोर्थ दी तो एग्जाम्पल कि मैंने आपसे आपकी घड़ी जो है वो परचेज कर ली और आपको जाली नोट पकड़ा दिए और मैं लेके आपसे घड़ी निकला और रास्ते में मैंने एक थर्ड पार्टी को वो घड़ी सेल आउट कर दी, तो इसका मतलब है थर्ड पार्टी का राइट उस चीज पे क्रिएट करा दिया मैंने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, तो फिर आप रिसेशन का राइट खो देते हैं, कैंसलेशन नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, आप मुझ पर बाद में डैमेज वगैरह क्लेम करें वो एक अलग चीज है, लेकिन रिस्टोरेशन वगैरह आपको वो घड़ी वापस नहीं मिलेगी क्योंकि कैंसिलेशन नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, वो राइट आपने खो दिया। मिस्टेक पे आ जाते हैं, देखिए जी मिस्टेक जो है एरनस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, किसी भी चीज पे एक एरनस बिलीफ रखना, किसी भी चीज के ऊपर एक एरनस बिलीफ रखने को हम मिस्टेक कहते हैं कि गलती से किसी भी चीज पे आपने यकीन रखा हुआ है, ठीक है, गलत यकीन रखा हुआ है तो हम इसको मिस्टेक कहते हैं। वैसे अभी पीछे से किसी को कुछ पूछना है सवाल वगैरह, अगर नहीं पूछना तो मैं मिस्टेक स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मिस्टेक दर हकीकत क्या होती है, एक अवेयरनेस बिलीफ होता है कि आप किसी के ऊपर एक अवेयरनेस बिलीफ रखते हैं जिसको हम मिस्टेक कहते हैं। अब इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ भी होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होती है, दो तरह की मिस्टेक होती है, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो पहले हम मिस्टेक ऑफ लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मिस्टेक ऑफ लॉ में भी अब जब आप जाते हैं कि कानून की मिस्टेक, कि कानून में आपने गलती से एरनस बिलीफ कोई चीज की हुई थी कि ये कानून में है लेकिन वो कानून में मौजूद नहीं थी, ठीक है, या अलग तरीके से मौजूद थी, तो अब इसको भी दो में देखा जाता है, एक तो मिस्टेक ऑफ होमलैंड होता है आपकी होम कंट्री का लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कि आप किसी फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री जो है, देखें भाई हर किसी के लिए जरूरी है कि उसको अपने मुल्क का कानून बताओ, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कोई भी शख्स इस चीज के लिए अलाउ नहीं है कि वो लॉ को इग्नोर करे, हर किसी को अपने मुल्क का कानून पता होना चाहिए, ठीक है, आप किसी से अपने मुल्क के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ड्रग डीलिंग का और आप बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ड्रग डीलिंग बैंड, मुझे नहीं पता था कानून में ये चीज मना है, नहीं, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्रवाई होगी, ठीक है, इलीगल आर्म्स की डीलिंग आप कर रहे हैं, आप बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये इलीगल आर्म्स जो है बैंड है मुल्क के अंदर,
ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई भी शख्स अलाउ नहीं है, जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें, ठीक है, जब चालान कट रहा हो आप बोले मुझे तो पता ही नहीं था लाल सिग्नल तोड़ने पे फाइन है, क्यों नहीं पता था आपको, आपकी गलती है। ठीक है, लॉ को, अपने मुल्क का लॉ पता होना हर किसी को आई जरूरी है, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये आपने रोडो पे भी बहुत लिखा हुआ पढ़ा होगा, वो इसीलिए लिखा हुआ होता है कि आपको ट्रैफिक के कानून का पता होना चाहिए, कल को आपका चालान कटे आप ये ना बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लेन चेंज करने से पहले इंडिकेटर देना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि आपको अपने मुल्क का कानून पता हो। अब आप बगैर टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको बोले मुझे नहीं पता था कि बगैर टिकट के ट्रेन में सफर करने पे 2,000 रुपये जुर्माना है, तो वो बोलेंगे आपको पता होना चाहिए था, तो अपने मुल्क का कानून सबको पता होना चाहिए, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो मिस्टेक ऑफ लॉ, फिर पूरा काउंट आपको फाइन वगैरह जो भी है वो लग जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ एनी लॉ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, ठीक है, आपकी होमलैंड कंट्री का लॉ है और उसके बारे में आपकी कोई मिस्टेक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। ठीक है, आगे देखें, मिस्टेक ऑफ लॉ देयर फॉर इज नो एक्सक्यूज एंड डज नॉट गिव राइट टू पार्टीज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। सेक्शन 21 डिक्लेयर दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंगली नो रिलीफ कैन बी ग्राउंडेड ऑन ग्राउंड ऑन द नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अगर मिस्टेक ऑफ कंट्री लॉ हो रहा है। ठीक है, तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपको कोई रिलीफ भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने बात करी ना, आप बगैर टिकट के ट्रेन में सफर करें और बोले मुझे तो पता ही नहीं था, जब आपका चालान कटने लगे वो तब भी चालान काटेगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपको नहीं पता था चलो मैं रिलीफ दे दूँ, वो तब भी चालान काटेगा। ठीक है जी, आगे आए मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। देखिए, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम बिल्कुल वैसे ही सेम फुटिंग पे लेते हैं जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को अभी डेफर करते हैं हम, पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ लेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ने के बाद दोबारा से हम मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ और मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ दोनों चीजों को दोबारा से देखते हैं आगे। ठीक है, पहले हम वो पढ़ के आ जाते हैं। अच्छा जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरह की होती है, एक बायलेटरल होती है एक यूनिलेटरल होती है। एक तो दोनों ही बंदे मिस्टेक पे थे, एक ये होता है कि आप खुद से ही जबरदस्ती मिस्टेक पे थे, यूनिलेटरल मिस्टेक करी हुई थी आपने। बायलेटरल मिस्टेक मैंने पहले भी बताया था, जब भी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशो होता है, वेयर द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मिसअंडरस्टूड ईच अदर एट अ क्रॉस पर्पस देयर इज अ बायलेटरल मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि जब भी देखें बायलेटरल मिस्टेक होगी तो कंसेंसस एड इडम होगा ही नहीं, दोनों लोगों ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को समझा, कॉन्ट्रैक्ट को किया, तो यहाँ पे एक ऑफर एक्सेप्टेंस वाला सीन हो ही नहीं रहा, प्रॉपर प्रॉपर करस्पॉन्डेंस ही नहीं हो रही सारी चीजों की। तो बायलेटरल मिस्टेक तो हमेशा वाइड एब इनिशियो है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड एब इनिशियो हो जाता है। ठीक है, अगर आप बायलेटरल मिस्टेक कर रहे हैं, अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो इसका मतलब तो ये है कि कभी आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि जिस चीज पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस पे आप दोनों ही गलती पे थे, जब ऑब्जेक्ट पे ही आप दोनों गलती पे थे तो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बना ही नहीं, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही वाइड ऑफ इनिशियो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे आया अगर वेयर लास्ट लाइन पे ना, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वाइड, दस फॉर डिक्लेयरिंग एन एग्रीमेंट वाइड ऑफ इनिशियो इन टू अंडर दिस सेक्शन द फॉलोइंग थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। कह रहे हैं कि वाइड एब इनिशियो तो होता है बायलेटरल मिस्टेक का एग्रीमेंट, लेकिन जब भी हम बायलेटरल मिस्टेक पे एग्रीमेंट को वाइड एब इनिशियो करार देंगे तो ये तीन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहली पढ़े, बोथ द पार्टीज मस्ट बी अंडर मिस्टेक, द मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, बोथ द पार्टीज शुड मिसअंडरस्टैंड ईच अदर सो एज टू नलिफाई द कंसेंट। दोनों पार्टीज का मिस्टेक पे होना जरूरी है, ठीक है, और दोनों पार्टी एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो बाइक्स हैं, एक रेड थी एक ब्लैक थी, मैंने आपको कहा मैं अपनी बाइक सेल कर रहा हूँ, आप सोच रहे हैं रेड वाली, ठीक है, मैं कौन सी सोच रहा हूँ ब्लैक वाली, तो यहाँ पे दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करा। ठीक है,
ठीक है जी, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया और ये एक बायलेटरल मिस्टेक हुई कि दोनों ने एक दूसरे के कॉन्सेंट को नलीफाई कर दिया। तो ये एक कंडीशन पूरी हो रही है कि दोनों पार्टीज का मिस्टेक पे होना जरूरी है, म्यूचुअल दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करें। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मिस्टेक मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट एंड नॉट टू जजमेंट और ओपिनियन। अच्छा, मिस्टेक ये भी है कि एक फैक्ट से लिंक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी अपनी जजमेंट या ओपिनियन हो, जैसे कि एन एरनस ऑप्शन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग व्हिच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बाइक है, एक मिस्टर ए आपको बाइक सेल कर रहे हैं ये सोचते हुए कि यार ये 40,000 की बाइक है और मैं 50,000 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे साहब जो हैं आप जो हैं आप ये सोचते हुए उसको खरीद रहे हैं कि आप 70,000 की चीज 50,000 में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू से लिंक है, ये आप लोगों के अपनी जजमेंट और ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। पहले वाली जो एग्जाम्पल थी रेड और ब्लैक वाली, वो एक फैक्ट था मटीरियल, ये आप लोग वैल्यू में जजमेंटल अपने तौर पे हुए हैं, तो ये भी ये मिस्टेक में काउंट नहीं होगी। जरूरी है कि मिस्टेक हमेशा किसी फैक्ट से लिंक हो, जैसे कि बाइक वाला एक फैक्ट था, लेकिन अगर आप वैल्यू पे जा रहे हैं तो वो एक जजमेंटल है, आप अपने तौर पे देख रहे हैं दोनों, ठीक है। तो फैक्ट से लिंक होना जरूरी होती है। थर्ड पॉइंट, फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द फैक्ट मस्ट बी सच विच गोज टू द वेरी रूट ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये थर्ड वन बहुत जरूरी है कि जो भी फैक्ट है जिसके बारे में मिस्टेक हो रही है वो हमेशा किसी फैक्ट से लिंक एसेंशियल होना चाहिए एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। जो भी फैक्ट है जिसके बारे में आप दोनों पार्टियां मिस्टेक पे हैं वो हमेशा एसेंशियल होना चाहिए एग्रीमेंट के लिए। जैसे कि पहला, मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है कि सब्जेक्ट मैटर से लिंक मिस्टेक है। दोनों लोग आप हॉर्स सेल कर रहे हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पता चला जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे थे उस वक्त हॉर्स हॉर्स मर चुका था, इसका मतलब है आपका सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं, उसके बारे में आप मिस्टेक कर रहे थे। जब ऐसी चीज आप करेंगे तो इसका मतलब है आपने मिस्टेक कर दी है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ये क्या था, ये एसेंशियल फैक्ट था, एसेंशियल एग्रीमेंट था, ठीक है। तो जो भी फैक्ट हो वो एसेंशियल टू द एग्रीमेंट होना चाहिए। ये बात बड़ी एसेंशियल थी, बिल्कुल रूट थी, कि आपका सब्जेक्ट मैटर आपकी रूट थी, ठीक है। आप उसके बारे में मिस्टेक में थे दोनों लोग, कि आप लोग सोच रहे थे वो मौजूद है लेकिन वो मर चुका था, ठीक है जी। इसी तरह से मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वही एग्जाम्पल दी मैंने कि सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी, उसके बारे में मिस्टेक होनी चाहिए। आपके पास दो बाइक थी, एक रेड थी एक ब्लैक थी, मिस्टर ए सोच रहे थे कि आप जो है उन्हें रेड वाली सेल आउट कर रहे हैं, आप सोच रहे थे मैं तो ब्लैक वाली सेल आउट करूंगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का मसला था सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी का मसला है तो भी कंसेंसस एडिडम नहीं हुआ, सेम थिंग इन सेम सेंस में नहीं हुई, ये भी रूट है। तो यहाँ पे भी आप दोनों बायलेटरल मिस्टेक के ऊपर थे। अच्छा, ये वाला है मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टाइटल का मतलब ओनरशिप, नॉर्मली ऐसी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में ऐसी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि ये सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट पे आप पढ़ेंगे आगे सेल ऑफ गुड एक्ट में भी, कि एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि टाइटल आपका डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, चलिए ये मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाएगा इसमें, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पीछे से पूछ लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये वाली हेडिंग थोड़ा समझाने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। फिर भी मैं इस पे थोड़ा
थोड़ी बात कर लेता हूँ। देखिए, मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक मिनट, क्वेश्चन आ गया सर। कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड और डिबेंचर। देखो भाई, डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड कहते हैं कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट, के जब भी साइलेंस फ्रॉडुलेंट होगा, साइलेंस खामोश रहना फ्रॉड होगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड है, ठीक है। कौन सी सिचुएशन है जिनमें साइलेंस खामोश रहना फ्रॉड होता है, वो मैंने आपको बारी बारी सारी बताई है। फैमिली सेटलमेंट, मैरिज एग्रीमेंट, वो सारी बताई है। बाकी डिबेंचर जो है, ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी क्या है, ये आपको बेहतर पता होगा मुझसे, ठीक है, कि लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो जब भी तुम डिबेंचर क्या है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। जैसे शेयर इशू करती है ना कंपनी, इसी तरह डिबेंचर भी इशू करती है, ठीक है। तो वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। शेयर इक्विटी होता है, लेकिन वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है जनाब। देखिए जी, नॉर्मली टाइटल ऑफ सर, नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन ही होगी या फिर कैंपस में? यार ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता। वैसे ऑनलाइन ही होंगी मेरा ख्याल से क्लासेस, जो मुझे लग रहा है सर। पॉइंट नंबर 4 ऑफ कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। पॉइंट नंबर 4 ऑफ कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तो बहुत पीछे ले गई। तो देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जब एक पार्टी अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, ठीक है, और वो अपनी डोमिनेंसी का फायदा उठाते हुए दूसरे से एक अनफेयर एडवांटेज ले, तो दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है कि पार्टी डोमिनेटिंग भी हो, ठीक है, और दूसरे से अपनी पोजीशन का फायदा भी उठाए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, एक बॉस का और एक सबॉर्डिनेट का रिश्ता, कि बॉस जो है वो उस पर डोमिनेंट होता है और वो अपनी डोमिनेंसी का फायदा भी उठाए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर अपने सबॉर्डिनेट से मोबाइल खरीदने में उसको बोलूं कि यार लग रहा है तुम्हें इस बार प्रमोशन नहीं चाहिए, तो वो अपना मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। नियर रिलेशन, अच्छा जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया आपके बाद। चौथा पॉइंट कोवर्जन का कौन सा था? चौथा, इसमें तो पॉइंट ही 3 है भाई, कौन सा चौथा पॉइंट ले आई तुम कोवर्जन का बेटा? इसमें तो पॉइंट ही 3 थे। थर्ड पॉइंट अगर पूछ रहे हो तो बता देता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पे भी कोवर्जन हुआ है वहां पे पाकिस्तानी लॉ अप्लाई हो, पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई होता हो ना होता हो, लेकिन अगर सूट पाकिस्तान के अंदर फाइल हो गया तो फिर वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोवर्जन, और वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। सर आप कौन से कैंपस में लेते हैं क्लासेस? मैं तो कराची कैंपस में हूँ, ठीक है, गुलशन। वैसे मैंने नॉर्थ में भी पढ़ाया था। क्लियर डिफरेंस सर, नेट का मसला था, सॉरी। अच्छा, डिफरेंस तो बेटा घर से पढ़ने के लिए दिया था, उसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछना, वो तो तुम्हें घर से पढ़ने के लिए दिया था हमने। सर मदर और सन भी फ्यूचरी रिलेशन होगा? नहीं, भरोसे का रिश्ता तो होगा, लेकिन उनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस को गुमान नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाप बेटे में तो गुमान किया जाता है, माँ बेटे में गुमान नहीं किया जाता अनड्यू इन्फ्लुएंस को, ठीक है जी। एक चीज है ना, प्रिजम्पशन लेना, प्रिजम्पशन वहां पे हम नहीं लेते। हाँ, भरोसे का रिश्ता तो है माँ बेटे का, वो तो भाई भाई का भी भरोसे का रिश्ता है। सर पेपर कौन से होंगे, ये गलत सवाल है। ये पेपर कौन से होंगे, क्या मतलब है? पेपर वही होंगे जो तुमने कोर्स उठाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो एकेडमिक के जो क्वेश्चन है ना वो मुझसे पूछ रहे हैं, जो एसआर के क्वेश्चन है, जो आपके आईसीएम में की जो स्टाफ है वो आपको आंसर करेगा, ठीक है। अब अभी इसका मुझे नहीं पता होगा, पेपर कौन से होंगे कैसे होंगे ये मुझे नहीं पता होगा, ठीक है। ये आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके मुताबिक ही पेपर वगैरह सारी चीजें होते हैं, ये आपको आईसीएमए के जो स्टाफ है वो आंसर करेगा, ये क्लास के सवाल नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट से लिंक पूछें। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं अपने, ठीक है। सर आप नॉर्थ कैंपस में क्लास ले लें? अच्छा जी, ठीक है, वहां पे लिए मैंने क्लास, लेकिन इवनिंग में। सर डिफरेंस बिटवीन अनड्यू इन्फ्लुएंस कोवर्जन का 4 पॉइंट बता दें प्लीज। अच्छा, इसको देख लेता हूँ।
ये जैसे स्टूडेंट ने पूछा है वो थोड़ा वाकई में पढ़ते भी हैं। फोर्थ पॉइंट, द इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ कोरिजन। अच्छा, मैंने आप लोगों को सिक्स चैप्टर नहीं भेजा था। ये रहा, 1 मिनट, इनका डिफरेंस आएगा। कहाँ चला गया इनका डिफरेंस? ठीक है। व्हाइल इन द केस ऑफ रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर्ड बाय कोवर्जन, एनी बेनिफिट रिसीव बाय जी पार्टी हैज टू रिस्टोर अंडर सेक्शन 64 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन द केस ऑफ डिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस द कोर्ट हैड डिस्क्रिशन टू डायरेक्ट द एजरी पार्टी फॉर रिस्टोरिंग द बेनिफिट वेदर इन होल और इन पार्ट और सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी डायरेक्शन ऑफ रिफंड ऑफ बेनिफिट। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर रिसीजन करते हैं कोवर्जन के केस में, तो कोवर्जन में क्या है कि आप एजरी पार्टी जो है उसको बेनिफिट रीस्टोर करना पड़ेगा। जो भी एजरी पार्टी होगी उसने अगर कोई बेनिफिट लिया होगा तो वो रीस्टोर करेगी। लेकिन इन केस ऑफ रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन। अब यहाँ पे कोर्ट के फैसले पे होगा कि कोर्ट चाहे तो रिफंड कराएगा एजरी पार्टी का बेनिफिट, चाहे तो वो कोई पार्टली रिफंड करा दे, या चाहे तो वो रिफंड ही ना कराए। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होगा। ठीक है, तो अंडर इन्फ्लुएंस में डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है रिफंड, कि जितना कोर्ट बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे करना है। लेकिन कोवर्जन में आपने हर हालत में एग्री पार्टी ने रिफंड करना है, बेनिफिट रिस्टोर करना है। टेस्ट रख चुका हूं मैं, आपने शायद सुना नहीं है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 15 चैप्टर खत्म होंगे, उसके 1 हफ्ते बाद टेस्ट होगा, इसलिए साथ साथ पढ़िएगा। ठीक है सर, अगर ऑनलाइन क्लास हुई तो वो भी आप लेंगे ना? हाँ, ऑनलाइन तो मैं ही लूंगा। सर, रिमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एक्सप्लेन करने। देखो, रिमिशन बेसिकली होती है कि आप लेसर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, अगर किसी को आपको 10,000 देने थे, आप उसे 9,800 एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये रिमिशन ऑफ प्रोमिसी। ठीक है, ये रिमिशन कहलाती है कि लेसर परफॉर्मेंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं इसको। हम अपना बायलेटरल मिस्टेक से ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं बायलेटरल मिस्टेक को ओवरव्यू दोबारा से दूंगा, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आया है, सर 15 के बजाय 5 चैप्टर के 3 टेस्ट कर लें। नहीं, चैप्टर 15 के बजाय 15 ही होगा। आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं, क्लास के स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, जो डेली बेसिस पे आपसे पूछा जाए। फिजिकल बेटा, तुम अब कराची में होगे तो मैं लूंगा ना। पता नहीं तुम लाहौर के हो, इस्लामाबाद के हो, कहाँ के स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर तुम कराची में होगे तो इवनिंग में मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगा। ओके, गुलशन में। ठीक है, बाकी वो देखते हैं आईसीएमए की मैनेजमेंट के। ये देखो, ये मैनेजमेंट डिसीजन है कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, ये मैं फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैनेजमेंट डिसीजन है ना, तो ये मैनेजमेंट फैसला करेगी कि कौन आपको पढ़ाएगा। बेटा, ये एनएनसी कैंपस से पूछो, ये क्वेश्चन मुझसे पूछने का नहीं है कि वहां पे कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाने के ना पढ़ाने के मैनेजमेंट डिसीजन है। ठीक है, पिछली बार ऑनलाइन कोई और पढ़ा रहा था, इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है अगली बार कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ दूसरा, या हो सकता है। ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है जी।